हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक सीक्वेंस ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले मीशो से एक सीक्वेंस ब्लाउज़ ऑर्डर किया था जो मुझे मिल गया है, आज रिसीव हो चुका है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि किस क्वालिटी का ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये एक सीक्वेंस का बहुत ही पार्टी वियर सा गाउन है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। कितनी ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो इसका लुक जो इस तरीके से शाइनी है, इस कारण ही मैंने इसे मंगवाया था। तो ये अभी ठीक ठाक मुझे रिसीव्ड हुआ है। और इसका जो साइज है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, 38 साइज है इसका और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और इसके ऊपर जो सिलाई की है, स्टिचिंग अच्छी की हुई है, ऊपर से तो अच्छी है दिखने में, फिनिशिंग ऊपर से अच्छी है। और इसके ऊपर पीछे की साइड दो डोरियां दी गई हैं इस तरीके से। अगर आपको लगे तो गला, अगर आपको बड़ा लगे तो आप उसे बांध कर छोटा भी कर सकते हैं। और लुक भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा। वेडिंग, अगर मैं वेडिंग वगैरह में आप जाते हैं या किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आप इसे वेयर कर सकते हैं, नाइट में बहुत अच्छा लुक देगा ये। तो इसका गला जो है इस तरीके का है, थोड़ा सा डीप नेक है, फ्रंट में और बैक में दोनों ही गला जो है वो थोड़ा सा डीप है। और साइज की वजह से इसका गला डीप भी हो सकता है। और साइज का कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, इसे स्प्रे की साइज़ दे रखा था, इसलिए मुझे ऐसा ही मंगवाना पड़ा। और इसके अंदर फ्रंट साइड पर जो हुक दे रखे हैं लगाने के लिए, तो हुक की क्वालिटी भी ठीक है। हुक काफ़ी ज़्यादा टाइट है क्योंकि अभी ये बिल्कुल नया है, इसलिए हुक टाइट है। और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हुक लगे हैं। और यहाँ पर भी स्टिचिंग अच्छी की गई है और दोनों साइड पर इसके कप हैं। चलिए इसको मैं बैक साइड से बता देती हूँ। इस पर जो लाइनिंग है वो ठीक ठाक कपड़े की गई है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, बहुत नॉर्मल क्वालिटी का ये कपड़ा है इसका लाइनिंग का। और इसके अंदर जो सिलाई लगी हुई है वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इस तरीके का है ये, सिलाई जो है वो खुल सकती है, इस पर अल्टर नहीं किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके की सिलाई है, सिर्फ सिलकर आपको दे दिया है तैयार करके, बाकी इसमें अंदर कुछ भी फिनिशिंग नहीं है। इसकी सिलाई जब निकलेगी तो पूरा खुल सकता है। तो ये चीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगी, इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं है अंदर से। और इस तरीके का है इसका फ्रंट लुक है ये, तो ठीक है। ये मैंने मीशो से मंगवाया है, ये उसका प्राइस है 260 रुपीज़। तो ये मंगवाया है, ठीक ठाक क्वालिटी का है, ज़्यादा अच्छा मैं इसे नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें सिलाई जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगी है, पर इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस कारण मैंने इसे ऑर्डर किया था। तो ये है, और मैंने जो ऑर्डर किया था मीशो से ब्लाउज, वो स्लीवलेस था, पर मुझे ये स्लीव वाला रिसीव हो गया है। और इसके सीक्वेंस जो है वो निकल रहे हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं गिर रहे हैं ये सीक्वेंस। तो इस तरीके के अगर सीक्वेंस वाले आप कोई सी ड्रेस मंगवाते हो तो उसमें ये तो प्रॉब्लम आती है कि वो निकल जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो कुछ ना कुछ निकलते ही हैं। पहनने पर जब भी आप इसे पहनेंगे तो थोड़े बहुत तो गिरेंगे, पर शाइन बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो अगर आप मीशो से इस तरीके का कोई सीक्वेंस ब्लाउज मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं।